मंजिया तोड़ के सारी सारी रात फिल्मा वेख के लोको वेखो हो गई मेरी डबल जन हो गई डबल जन मेरी डबल जन हो गई डबल जन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं मैं हूँ आपकी होस्ट मायरा नज़ीर। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनकी मेरे समेत पूरी दुनिया फ़ैन है, ये पाकिस्तान का फ़ख्र है। इसके साथ साथ इनका नाम है फ़ख्र महमूद। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। सर मैं पहले आपकी जो बात स्टार्ट करूँगी मैं आपकी स्टार्ट करूँगी डबल चिन सॉन्ग से। सर जैसे कि कोरोना के डेज में आपने ये सॉन्ग रिलीज़ किया, तो आप मुझे ये बताएं कि घर में बैठे बैठे ये आपके माइंड में कैसे आया? ये एक्चुअली मेरे बच्चों के माइंड में आया और उन्होंने कंपोज किया, और वो जो कोरस की जो लाइन है डबल चिन ये बच्चे गा रहे थे। मैंने उनसे पूछा क्या कर रहे हो, तो फिर उन्होंने कहा कि आप सारे लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, कुछ और कर ही नहीं रहे, और आपकी डबल चिन बन रही है, मोटे होते जा रहे हैं। तो ये गाना उन्होंने बनाया था, मैंने उनको हेल्प किया ताकि वो इसको कंप्लीट कर सकें, लेकिन ये गाना बच्चों ने बनाया और बच्चों की तरफ से बड़ों के लिए है। बिल्कुल सर। सर अभी आपके इनकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? मेरे जी अभी तो कॉन्सर्ट्स वगैरह तो रुके हुए हैं जैसा कि आप जानते हैं, अगरचे बीच में इक्का दुक्का कुछ किए भी हैं मैंने, लेकिन वो दोबारा कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी SOPs जो हैं इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, तो इवेंट्स तो भी काफ़ी रुके हुए हैं, लेकिन और प्रोजेक्ट्स, गाने और कुछ वीडियोस के ऊपर काम जारी है। देखते हैं जैसे हालात बेहतर होते हैं तो फिर एक एक करके इंशाल्लाह उनको रिलीज़ करेंगे। सर आपने एक सॉन्ग गाया जा जा इंडिया कश्मीर से निकल जा, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, इवन कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो उसमें आपने इंडिया का वर्ड यूज़ किया या आपने अपने माइंड से था या किसी से पिक किया? जी इस गाने से पहले किसी और गाने में इंडिया को किसी ने ऐसे ललकारा नहीं। मैंने समझा और सोचा कि क्यों ना उनको कॉल आउट किया जाए और उनको शर्म दिलाई जाए, क्यों नहीं, जब वो एक इतनी लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं और इतने ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ कर रहे हैं, इतने लोगों को शहीद कर रहे हैं और इतना जबर कर रहे हैं, इतना जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं, तो क्यों ना उनको कॉल आउट किया जाए। इसीलिए मैंने सोचा कि उनका नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, और फिर मैंने देखा इस गाने के बाद काफ़ी और लोगों ने भी उनका नाम लेना शुरू कर दिया, और नाम लेना चाहिए, किसी को शर्म दिलानी हो तो उसका नाम लेना ज़रूरी है, लेकिन ढीठ लोगों को शर्म भी कहाँ आती है। सर आपका एक सॉन्ग बन रहा था हेल्थ एंड मिनिस्ट्री पे, साइंस जूस पे, तो वो आपका कहाँ तक पहुँचा? बिल्कुल, वो फवाद चौधरी साहब का एक प्रोजेक्ट है, उनके साथ मिलके मैंने एक लिरिक्स डेवलप किए हैं और हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के ऊपर कुछ करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह वेरी सून आपको सुनने को मिलेगा अगर गवर्नमेंट ने इसकी फंडिंग कर दी तो, इंशाल्लाह। सर इसके साथ साथ आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मेरे तो जी हॉबीज़ का टाइम निकल गया है कुछ, अब तो हॉबीज़ यही हैं कि बच्चों के साथ बैठ के उनको म्यूज़िक करवाया जाए, नए टैलेंट को प्रमोट किया जाए, और मेरी बचपन से जो हॉबी चली आ रही है वो तो वही है, म्यूज़िक बनाना, कंपोज करना, नया नया म्यूज़िक करना, वो मैं करता रहता हूँ, और इसके अलावा ट्रैवल करता रहता हूँ, मूवीज़ देखता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, वही सब चीज़ें जो आप सब लोग करते हैं, ज़ाहिर है हम सबके शौक एक ही तरह के होते हैं। तो सर आपने स्टार्टिंग जब सिंगिंग की वो आपने बचपन से क्या स्टार्ट किया था या अब आके आपको ज़्यादा जुनून है सिंगिंग का? बचपन से शुरू किया था, मैं क्लास 2-3 में था जब मैंने हारमोनिका शुरू किया जिसका माउथ ऑर्गन भी कहते हैं, और एक दो रोज़ में ही मैंने इसमें से उसको बजाना सीख लिया। फिर मैंने विसिल करना सीखा, एक दो दिन में विसिल करना शुरू किया और ट्यून मैंने निकालनी शुरू कर दी। उसके बाद फिर चल से चल फिर मेरी मदर ने मुझे कीबोर्ड लेके दिया, वो भी मैंने खुद ही सीख लिया बजाना चंद ही रोज़ में, बस फिर म्यूज़िक शुरू हो गया। फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने कहा कि ये तो गलती कर दी हमने इसको इनकरेज करके, ये तो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा सिर्फ म्यूज़िक कर रहा है। बहरहाल फिर इवेंचुअली एक बैलेंस मैंने स्ट्राइक कर लिया, लेकिन बचपन में जो जुनून था और फिर जवानी में जो जुनून था वो अब आके वो ज़ाहिर है, थोड़ा सा प्रायोरिटीज़ आपकी चेंज हो जाती हैं, आप और तरफ भी ध्यान देने लगते हैं, लेकिन जो एक जुनून होता है आपको बचपन में वो फिर वापस वैसा जुनून ज़रा मुश्किल से आता है, फिर आप कंप्लेसेंट हो जाते हैं थोड़ा सा, आप कुछ अचीवमेंट्स करने लग जाते हैं, आप शायद उसमें कुछ ग्लोट भी करना लग जाते हैं अपनी कामयाबियों पे, लेकिन बचपन का जो जुनून है उसका मुकाबला नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच सर। न्यूज़ विजन इस्लामाबाद का एक अप एंड कमिंग चैनल है और ये बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, वेरी सून आप सब भी इस चैनल के बारे में जान जाएंगे। मेरी तरफ से ऑल बेस्ट विशेस फॉर न्यूज़ विजन। थैंक यू सो मच सर।
धज्जियां तोड़ के सारी सारी रात।